क्या है ये डार्क वेब, आखिर लोग इससे डरते क्यों हैं इतना। चलो तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरनेट की इस काली दुनिया के बारे में जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया एप्स यूज करते हो वो सिर्फ आपको 4% ही नजर आता है। इन सबसे परे इंटरनेट की अलग ही भयानक दुनिया है जो आपने कभी न सुना होगा और ना ही देखा होगा। आज इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो किसी को दिखाई नहीं देती। मान लो अगर हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ऑफिशियली सबसे पहले गूगल पर जाते हैं, फिर हम सर्च करेंगे जिसमें हमें बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल होती हैं, जो जिसमें हम जो चाहे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसे हम सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन और भी कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो इस पे हिडन होती है, पर वो सब डार्क वेब पर विजिबल होती है। जब भी हम आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो वो सब गूगल पर विजिबल होती है, पर डार्क वेब आपको टोटल हाई लेवल प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। डार्क वेब पे जो वेबसाइट विजिबल होते हैं वो आपको किसी और वेब ब्राउजर पर विजिबल नहीं होते, गूगल क्रोम यहाँ तक किसी और वेब ब्राउजर पे भी नहीं। डार्क वेब को इंफॉर्मेशन का अड्डा माना जाता है जहाँ आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कुछ इलीगल कंटेंट की वजह से आज डार्क वेब का नाम बदनाम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, डार्क वेब पे सब कुछ हिडन होता है, यहाँ पर किसी को किसी की आइडेंटिटी नहीं दिखाई देती। इसीलिए लोग इसका गलत इस्तेमाल करके यहाँ कुछ इलीगल धंधे करते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी, ड्रग सेल का ब्लैक मार्केट, इलीगल तरीकों से लोगों के पर्सनल डाटा को चुराना एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं रिसेंटली अप्रैल 2021 में एक हैकर डोमिनोज यूजर डाटा को करीब 4.25 करोड़ में बेच रहा था, जिसे लोग पर्सनल नेम, जिसमें लोगों के पर्सनल नेम, नंबर और एड्रेस भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बहुत सारे टेररिस्ट, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी डार्क वेब का गलत इस्तेमाल करते हैं। पर चारों तरफ देखा जाए तो डार्क वेब एक्सेस करना गलत नहीं है, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल इलीगल तरीके से करना इलीगल है। अगर आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो ठीक से सोच समझ कर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।